लास्ट क्लास में हमने देखा था जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनकी शेप कैसी है और वो कौन से किस तरीके से बाकी कैरेक्टर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि बॉन्ड लेंथ को या बॉन्ड एंगल को कैसे अफेक्ट करेंगे। तो अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वो ये है कि अगर हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर के हम किस तरीके से नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो उसने बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन के साथ, उसके बाद भी उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे जिनको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ध्यान से देखो सेंट्रल एटम के पास अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर की नेमिंग करें तो जो सेंट्रल एटम के पास वो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, इस एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन जो पेयर हैं ये बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को बोलते हैं हम बॉन्ड पेयर। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो ये नाम तुम्हें पता होने चाहिए। अब हम यहां से आगे बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कहता हूं कि लोन पेयर क्या है और लोन पेयर क्या चाहता है सेंट्रल एटम से, अब हम इस सिचुएशन में पहुंच गए कि मैंने बताया था फैमिली का हेड कौन होता है, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम डिसाइड करता है किसको क्या चीज प्रोवाइड करनी चाहिए या कौन से एटम की पोजीशन कहां होनी चाहिए जिससे ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो क्या बना रहे, स्टेबल बना रहे। तो वो लोन पेयर से अगर हम पूछते हैं कि लोन पेयर क्या चाहते हैं, तो पहले हम ये जान लें कि लोन पेयर है क्या। तो मैंने बता दिया सबसे पहले आप लोग यहां लिख देंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, लोन पेयर। ये तो हुई डेफिनेशन। दूसरी बात, लोन पेयर जो है वो सिंगल न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहते हैं। ये बात क्या कहना चाहता हूं मैं, देखो अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड है तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो ए के न्यूक्लियस से भी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और बी के न्यूक्लियस से भी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन मान लो ए के पास कोई लोन पेयर है तो ये लोन पेयर जो है सिर्फ किसका अट्रैक्शन फील करता है, एक ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फील करता है। इसका मतलब ये हो गया है कि लोन पेयर जो है वो जिस न्यूक्लियस एक के अट्रैक्शन फील कर रहा है तो उस न्यूक्लियस के बिल्कुल पास रहना चाहता है। तो सेंट्रल एटम अगर लोन पेयर से पूछे कि तुम कौन से ऑर्बिटल में रहना चाहोगे तो वो कहेगा मैं उसी ऑर्बिटल में रहना चाहता हूं जो तुम्हारे सबसे पास है, और सबसे पास वाले ऑर्बिटल यानी कौन से कैरेक्टर की बात कर रहे हैं हम, एस कैरेक्टर। तो तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा वो ये दोनों में से कोई नहीं है, डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं सिंगल न्यूक्लियस अट्रैक्टेड है ये पता होना चाहिए, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन होगा वो इस बात से होगा कि लोन पेयर जो है वो परसेंटेज एस कैरेक्टर लविंग स्पीसीज होते हैं, या फिर इसको मैं दूसरे तरीके से तुम्हें कैसे प्रेजेंट कर सकता हूं कि लोन पेयर जो है वो इतनी ज्यादा मोहब्बत एस कैरेक्टर से करते हैं कि वो किसी और से ले भी सकते हैं अपने में बढ़ाने के लिए सेक्टर। समझा तुम्हें क्या, मान लो CH4 मॉलिक्यूल तुम जानते हो मीथेन, मीथेन की शेप कैसी होती है अभी, हालांकि मैं ये बात मानता हूं कि हमने शेप फाइंड आउट करना नहीं सिखाया है, पर जो तुम्हारी बेसिक नॉलेज है उसके बेसिस पे या जो भी मैं करूं उसको ध्यान से सुन लो। CH4 में ये जो बॉन्ड एंगल है वो है 109.28, ये फैक्ट है हमारे पास। अब मैं ये बात प्रूव कर रहा हूं कि लोन पेयर वाकई में ही एस कैरेक्टर लविंग स्पीसीज है और इतने ज्यादा लविंग स्पीसीज है कि वो दूसरों में से भी खींचने में शर्माते नहीं है। कैसे प्रूव करूंगा मैं इसे, मान लो एमोनिया एक दूसरा मॉलिक्यूल है, NH3 पढ़ा तुमने, इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं और नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो और बचे हुए हैं वो है लोन पेयर। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है दिस इज क्लोज टू 107। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं H2O में 2 लोन पेयर होते हैं और ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104 क्या हो। अब ध्यान से देखो जिस तरीके से तुम्हें क्वेश्चनों में देखना है वो तरीका ये होगा कि जैसे जैसे सेंट्रल एटम पर लोन पेयर बढ़ते जा रहे हैं, और मैंने बताया था लोन पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर लविंग स्पीसीज, तो वो क्या करेंगे दूसरे बॉन्ड्स में से एस कैरेक्टर क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। जैसे कि यहां पे एक लोन पेयर है, इसने बाकी जो 3 बॉन्ड पेयर हमसे एस कैरेक्टर क्या करे होंगे, खींचे होंगे, तो इसका मतलब इनमें से एस कैरेक्टर क्या हो गया होगा,
कम हो गया होगा, और अगर इनमें एस फैक्टर कम हो गया होगा तो मैंने बताया था कि एस फैक्टर कम हो जाएगा तो कोण एंगल भी क्या हो जाएगा कम, दैट इज इसका कोण एंगल कितना है 107। अब देखो ऑक्सीजन में वाटर में ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, दो, तो यहां दो दो लोन पेयर मिलकर इनसे एस फैक्टर खींचेंगे तो इनमें एस फैक्टर और भी कम हो जाएगा, इसका मतलब इसका कोण एंगल और भी क्या है कम है। दैट मींस जो मैं बात कह रहा हूं मैं उसको प्रूव करता चल रहा हूं कि नेचर में जो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं हमें उनके कोण एंगल को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये वाला तरीका समझना जरूरी है। हालांकि तुमने ये तरीके भी पढ़े होंगे कि एक लोन पेयर रिपल्शन कर देगा बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, पर ये चीजें आगे जाके तुम्हें कंफ्यूज करने लगेंगी, इसलिए यहां से ये तरीका समझ लो कि बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए हम एस कैरेक्टर वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे अगर तुम एक्सेप्शन नहीं चाहते हो तो। तो हमने देख लिया है कि लोन पेयर क्या है, एस कैरेक्टर लविंग स्पीसीज है, और नोट करके इस पॉइंट को लिख लेना, क्या लिखना होगा हमें नेक्स्ट पॉइंट कि लोन पेयर जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर वगैरह में से एस कैरेक्टर क्या कर देते हैं कम कर देते हैं और अपने में क्या कर लेते हैं बढ़ा लेते हैं। बात समझ आ रही है? तो देखो अगर मान लो लोन पेयर नहीं होता, मैं तुम्हें एक तरीके से समझाता हूं और डिटेल एक्सप्लेनेशन देखो इसी क्या है। अगर CH4 में कार्बन के पास एक 2s था और तीन p थे, इसने मान लो सारे s और p को मिक्स करके चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, एक इस डायरेक्शन में मान लो इसका नाम sp3 है, एक इस डायरेक्शन में इसका नाम sp3 है, एक इस डायरेक्शन में sp3 और एक इस डायरेक्शन में ये भी क्या है sp3 है। अब नाइट्रोजन ने भी क्या किया अपने 2s और 2p को मिक्स करके चार ऑर्बिटल बनाए sp3 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 एंड sp3। यहां पर इसमें हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ गया है, हाइड्रोजन जुड़ गया है, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास और इससे भी कौन जुड़ गया है हाइड्रोजन। यहां पर इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन ऊपर वाला जो ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल है उसमें क्या प्रेजेंट है दो इलेक्ट्रॉन। तो अब ये लोन पेयर क्या कहेगा, ये कहेगा कि ये मैं सिंगल न्यूक्लियस अटैच्ड हूं तो मैं तुम्हारे बहुत पास रहना चाहता हूं तो इसलिए मुझे ज्यादा s कैरेक्टर चाहिए। तो अगर मान लो s कैरेक्टर इक्वली बटे होते हर जगह तो हर चार ऑर्बिटल में s कैरेक्टर बचा है तो हर किसी के पास कितना जा रहा होता 25% और ये भी कितना होता 25% ये केस होता जब आइडियली बटे होते। लेकिन अब क्या होगा लोन पेयर कहेगा या फिर मैं यही समझा रहा हूं लोन पेयर दूसरों में से सेंट्रल एटम को बोलेगा मुझे मतलब नहीं है दूसरों में से सेक्टर निकाल के मुझे दो, तो ये दूसरों में से अगर एस सेक्टर कम करेगा तो यानी कि एक्चुअल में लोन पेयर जिस ऑर्बिटल के अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है उसमें एस सेक्टर को बढ़वा लेता है तो इस लोन पेयर में एस सेक्टर 25% से क्या होगा ज्यादा होगा और इनमें क्या हो जाएगा कम, कम होते ही बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे कम। बिल्कुल सेम तरीके से तुम एच2 को भी समझ सकते हो कि इसमें दो लोन पेयर होंगे तो इसमें से और कम होगा और बॉन्ड एंगल और भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोन पेयर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ सकते हैं। तो क्या बातें समझे हम, पहली बात तो लोन पेयर वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, एक ही न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज रहना चाहते हैं और इसीलिए हमको ये भी कह सकते हैं वो परसेंटेज एस सेक्टर लविंग स्पीसीज है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं लोन पेयर दूसरों में से एस सेक्टर क्या कर लेते हैं कम और खुद में क्या कर लेते हैं बढ़ा लेते हैं। तो यानी कि लोन पेयर एस ऑर्बिटल में रहना चाहते हैं। दूसरी बात अब हम बात करते हैं बॉन्ड पेयर क्या चाहते हैं, तो बॉन्ड पेयर में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बॉन्ड पेयर में यह भी हो सकता है कि दो एटम के बीच में सिर्फ कैसा बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो अब ये किस टाइप के कैरेक्टर में रहना चाहेगा, सिंगल बॉन्ड का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये किस टाइप के कैरेक्टर चाहता है, तो ये डिपेंड करता है ये जो बॉन्ड बना हुआ है किन एटम्स के बीच में। फॉर एग्जांपल मान लो यहां पर एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दिया हमने कौन फ्लोरीन। अब फ्लोरीन क्या चाहता है, फ्लोरीन चाहता है कि इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रखे तो इसमें नेगेटिव चार्ज रहेगा और फ्लोरीन खुश रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो खुश है। अब पॉइंट ये है अगर मान लो ये ए का sp3 ऑर्बिटल है, ए का sp2 ऑर्बिटल है और ए का sp ऑर्बिटल है, तो जब फ्लोरीन इनसे जुड़े तो किस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन खींचने फ्लोरीन के लिए आसान होंगे,
तो हम जानते हैं एस कैरेक्टर जिस ऑर्बिटल में जा सकते हैं उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है उस एटम की, ज्यादा होती है। तो फ्लोरीन को एसपी वाले में से खींचने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एसपी टू में थोड़ा कम और एसपी थ्री में आसानी से, कंपैरिजन में बात करूं मैं सारी, इलेक्ट्रॉन खींचे जा सकते हैं। तो इसका मतलब जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हमेशा चाहेगा कि जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ मैं जुड़ गया हूं उसमें एस कैरेक्टर थोड़े से क्या हो, कम हो, या फिर ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिस ऑर्बिटल से जुड़ रहा है उसमें एस फैक्टर क्या कर देता है, कम, तो दूसरे में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। आज आप देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो कार्बन ने इस तरीके से सेंट्रल एटम सबको सुखी चाहता है, सेंट्रल एटम चाहता है कि सबको बराबर बराबर कैरेक्टर मिले, लेकिन सिचुएशन कैसी कैसी आ रही है उसके हिसाब से सेंट्रल एटम से कहानी चेंज करनी पड़ती है। मान लो इस बार ये तीन हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े हुए हैं और यहां पर है फ्लोरीन। वैसे तो देखने में हम सोचते थे क्या फर्क पड़ता है, CH4 है, CH3F है, CH2F2 है, सब एक जैसे ही होंगे, लेकिन अब यहां से हम बात समझेंगे। फ्लोरीन कहता है कि इस ऑर्बिटल में एस इलेक्ट्रॉन कम करो क्योंकि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे क्या है, ज्यादा है, तो मैं इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता हूं। तो मैंने यही बताया था आज के बाद तुम्हें कभी भी दिखे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो अपने बॉन्ड में से अब जिस ऑर्बिटल से जुड़ा उसमें परसेंटेज इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, कम कर देता है। भाई कम करने का मतलब ये है कि किसी दूसरे में बढ़ जाएंगे, तो अगर ये यहां से इलेक्ट्रॉन कम कर दें यानी इस CF बॉन्ड में एस इलेक्ट्रॉन जो है वो 25% से क्या होंगे, कम होंगे, तो इसमें एस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और एस इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इसका मतलब ये वाला जो बॉन्ड एंगल है थीटा ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, हमें लग रहा था कि CH4 में वो ऐसे बनेगा CH4 या CFH3, ये दोनों बॉन्ड एंगल थीटा 1 थीटा 2 पेपर में कुछ आया है, थीटा 1 और थीटा 2 को कंपेयर करो और हम कहेंगे अरे ये तो दोनों सेम ही हैं, तो सेम लग रहे, नहीं नहीं साफ साफ लग गया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आज के बाद पहचान लेना जैसे लोन पेयर को पहचानते हो, लोन पेयर अगर दूसरों में एक्सेप्टर कम करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरों में एक्सेप्टर क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। अब अगली कहानी सुनो, अगर मैं CH2F2 कर दूं, FH, ये वाला एंगल है थीटा 1, ये वाला एंगल है थीटा 2, बताओ जरा थीटा 1 और थीटा 2 में से कौन बड़ा होगा, ये भी एक्सेप्टर कम करेगा अपने ऑर्बिटल में से, अपने लोब में से, ये भी कम करेगा और इन दोनों में क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि जिनमें एक्सेप्टर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन बॉन्ड एंगल से रिलेटेड इस पर आ सकते हैं। इसके अलावा सिमिलर क्वेश्चन जो है वो तो बॉन्ड लेंथ पर भी आ सकते हैं, ऐसा सकते हैं बॉन्ड लेंथ पर भी आ सकते हैं। मान लो मैं कहता हूं OOH, H ये हाइड्रोजन परोक्साइड है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, OOF, मान लो ये बॉन्ड लेंथ D1 है और ये बॉन्ड लेंथ है D2, पर मैं कह रहा हूं कंपेयर करो, तो यहां अगर तुम कंपैरिजन देखोगे तो तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो तुम्हें बस आज के बाद यही पहचानना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने बॉन्ड्स में से एस फैक्टर क्या कर देगा, कम। अगर ये अपने में से एस फैक्टर कम करते हैं तो इसमें फैक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एस फैक्टर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, दैट मींस G1 इज ग्रेटर देन G2। ऐसे दुनिया भर के क्वेश्चन हो सकते हैं, देखो BH3 BFH B BH की जो बॉन्ड लेंथ है वो है D1, इसमें क्या है D2, और इसमें क्या है D3, पर मैं कहता हूं कंपेयर द BH बॉन्ड लेंथ इन ऑल द थ्री केसेस। तो यहां पर तीनों साइड पर कौन है, हाइड्रोजन, तो सब में एक्सेप्टर बराबर बटा हो, इसमें फ्लोरीन आएगा तो अपने में से एक्सेप्टर कम कर देगा, इन दोनों में बढ़ जाएगी, एस फैक्टर बढ़ गए तो बॉन्ड लेंथ कम, इसमें दो फ्लोरीन आ रहे हैं तो एस फैक्टर और भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा बढ़ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ और भी क्या हो जाएगी, कम, दैट मींस D1 इज ग्रेटर देन D2 व्हिच इज ग्रेटर देन D3। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नजर आ सकते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ पे क्वेश्चन हो या बॉन्ड एंगल पे हो तो परसेंटेज एस फैक्टर के बेसिस पे सोचा जा सकता है, और हालांकि तुम्हें अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एंड में जाते जाते हम सारे केसेस क्लास में अपने आप ही डिस्कस कर लेंगे, तुम्हें तो बस पेपर में इसको रिवाइज करके जाना है, सब कुछ एज इट इज सेम चीज पेपर में नजर आ जाएगी। तो हमने देख लिया, दो बातें देखी, क्या
लोन पेयर एस करेक्टर लविंग स्पीसीज है और दूसरे पेयर में से या दूसरे बॉन्ड में से एस करेक्टर को कम कर देते हैं। और जो अगर हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन पेयर में से जिससे वो बॉन्ड बनाया उस ऑर्बिटल में एस करेक्टर क्या करता है, कम, यानी हम ये कह सकते हैं दूसरों में क्या कर देता है, बढ़ा देता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं अगर ए और बी के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, तो जरा बहुत ही ध्यान से इस बात को समझना। मल्टीपल बॉन्ड होने का मतलब ये है कि एक बॉन्ड तो बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, अब ये पाई बनाना चाहते हैं। पाई किससे बनेंगे, या तो पी और पी से बनेंगे, दो पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे ऐसे, या दो डी से बन सकते हैं या पी डी से बनते हैं। हम सिंपल कैसे कह सकते हैं कि मान लो इसको इसके पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बॉन्ड बनाना है। तो देखो क्या पाई बॉन्ड बनने के लिए इन पी ऑर्बिटल्स में एस करेक्टर आएंगे, तो क्या फायदे की चीज, क्योंकि मैंने बताया था पाई बॉन्ड बनने के लिए टू लोन इंटरेक्शन चाहिए, तो एस करेक्टर की तो कोई रिक्वायरमेंट इसको है ही नहीं, क्योंकि अगर ऑर्बिटल हाइब्रिड हो जाते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना नहीं पाते हैं। अच्छा, तो यानी कि पाई बॉन्ड बनने के लिए एस करेक्टर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी ये बात ध्यान रखना, लेकिन पाई बॉन्ड ज्यादा मजबूत कब होगा, ये वाला जो पाई से पहले कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। अगर सिग्मा बॉन्ड छोटा हो तो देखो क्या होगा, छोटा होगा तो ए और बी क्या होंगे, पास होंगे, पास होंगे तो इनकी ओवरलैपिंग में जो जो इफेक्टिवनेस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यानी कि पाई बॉन्ड जब बनते हैं वो चाहते हैं उनसे पहले बना हुआ सिग्मा बॉन्ड जो हो क्या हो, छोटा हो। यानी ये वाला बॉन्ड अगर शॉर्ट हो, शॉर्ट तभी हो सकता है जब परसेंटेज एस्ट्रक्चर क्या हो, ज्यादा हो। तो ये बात पहचान लेना, अगर किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड है तो वो चाहता है कि मेरे से पहले बनने वाले मेरे ही सिग्मा बॉन्ड में स्ट्रक्चर ज्यादा हो, और ज्यादा होने का मतलब हम कैसे निकालते थे कि वो दूसरों में से स्ट्रक्चर क्या कर दे, कम कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लेता हूं सी डबल बॉन्ड ओ एच एच, तो ये अगर तुम्हें नजर आ जाए सर यहां तो पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो पाई बॉन्ड बनने के लिए पाई बॉन्ड ने कहा होगा सेंटर टर्म को कि मेरे सिग्मा बॉन्ड में क्या कर दो, स्ट्रक्चर बढ़ा दो, तो इसमें स्ट्रक्चर क्या हुए होंगे, कम हो गए होंगे। बात समझ आ रही है, तो हमेशा याद रखो पाई बॉन्ड जो होते हैं वो भी हम एक तरीके से ऐसा ही बोलते हैं एस करेक्टर लविंग स्पीसीज है, यानी वो दूसरों में से स्ट्रक्चर क्या करते हैं, कम कर देते हैं। लेकिन एक बात जो क्लियरली ध्यान रखनी है वो ये है, जब मैं ऐसा बोलूंगा कि पाई बॉन्ड एस करेक्टर लविंग स्पीसीज है तो तुम्हें ये बात समझनी है कि पाई बॉन्ड बनने के लिए एस करेक्टर की जरूरत नहीं है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होने के लिए, सिग्मा को छोटा करने के लिए दूसरों से एस करेक्टर को लेने की जरूरत है। सिमिलरली अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, दो पाई बॉन्ड और बनेंगे, और पाई बॉन्ड जितने ज्यादा बन रहे होंगे सिग्मा उतना क्या होना चाहिए, छोटा, ताकि ओवरलैपिंग उतनी क्या होती रहे, इफेक्टिव। तो अगर हम बात करते हैं सबसे काम की, अब यहाँ पे क्योंकि फाइनल ऑर्डर जो है कंपैरिजन के वो ही हमें ध्यान होना चाहिए, वो ये है कि अगर मैं कंपैरिजन करूं कि सबसे ज्यादा एस करेक्टर लविंग स्पीसीज कौन सी है और दूसरों में से स्ट्रक्चर बहुत जल्दी खत्म कौन कर देता है, तो याद रखना परसेंटेज एस करेक्टर लविंग स्पीशीज के ऑर्डर में सबसे ज्यादा कौन होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड नजर आ गया तो वो दूसरों में से सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर कम करके अपने सिग्मा में बढ़ा लेगा। उसके बाद कौन आते हैं, लोन पेयर, उसके बाद कौन आते हैं, डबल बॉन्ड। हालांकि इन दोनों का जो इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, लेकिन अगर कहीं लेना पड़ता है केसेस में तुम लोन पेयर को थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हो, बाकी स्पेशल केसेस हम डिस्कस कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं उसके बाद सिग्मा बॉन्ड में, और सबसे कम एसेक्टर लविंग, लविंग क्या है, वो तो हेटिंग है, वो तो चाहते ही नहीं कि एसेक्टर हो, एसेक्टर कम से कम वो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये ऑर्डर तुम ध्यान रखना, तो बोलो सबसे ज्यादा एसेक्टर लविंग स्पीसीज कौन है, ट्रिपल बॉन्ड, फिर लोन पेयर, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड, और कौन नहीं चाहते हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहते हैं एसेक्टर जो है वो दूसरों में बढ़ जाए, हमारे वाले में क्या हो जाए, थोड़े से कम हो जाए। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस होंगे जो इस टाइप के साथ डील करेंगे कि एस करेक्टर के बढ़ने या कम होने से बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ पर क्या इफेक्ट होता हुआ। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि लोन पेयर क्या चाहता है, हमने देख लिया है, सिंगल बॉन्ड क्या चाहते हैं, डबल बॉन्ड क्या चाहते हैं। अगर ऐसा सब कुछ अब सेंट्रल एटम को एक आइडिया हो चुका है कि कौन क्या चाहता है, तो हम देखते हैं सेंट्रल एटम कैसे इनको एडजस्ट करता है और किस तरीके से मॉलिक्यूल की शेप जो है वो आएगी ऑन ऑल दिस बेसिस जिनके बारे में हमने अब तक पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ, हम जानते हैं NH3 मॉलिक्यूल, अमोनिया बोलते हैं इसको। अगर इसमें हम देखें कि जो नाइट्रोजन है उसकी जो कॉन्फिगरेशन है वो है 2s2 एंड 2p3, तो इसका मतलब ये है
नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर सोचा जाए कि नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन अगर इन पी ऑर्बिटल से बॉन्ड बना ले तो ये जो बॉन्ड एंगल होगा एन और एच के बीच में, सब पी ऑर्बिटल से मान रखा है क्योंकि हम जानते हैं पी एक्स ऑर्बिटल है, पी वाई है, पी जेड है, तीनों पी एक्स वाई और जेड एक्सिस पे होंगे, तो इनके बीच जो बॉन्ड एंगल आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। लेकिन NH3 मॉलिक्यूल का जब हमने बॉन्ड एंगल देखा है तो अभी मैंने लिखा था थोड़ा सा अगर ध्यान से देखा 7.4 के अराउंड आता है। तो पॉइंट ये है कि अगर लोन पेयर चाहते हैं कि हमें एस इलेक्ट्रॉन मिला रहे तो यहां तो ऑलरेडी लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है, एस ऑर्बिटल में है, तो लोन पेयर को तो एस ऑर्बिटल में मिला हुआ है और तीन बॉन्ड बन भी गए हैं, तो फिर भी इस केस में ऑर्बिटल की मिक्सिंग क्यों हुई है या हाइब्रिडेशन क्यों हुई है। तुम अब ये सोचोगे हमें कैसे पता लगेगा कि हाइब्रिडेशन हुई है कि नहीं हुई है। देखो अगर प्योर पी ऑर्बिटल से बॉन्ड बनेंगे तो हमेशा बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90। अगर बॉन्ड एंगल 90 से कभी भी ज्यादा नजर आता है मॉलिक्यूल के लिए तो 90 से ज्यादा आने का मतलब क्या रहा होगा कि उन पी ऑर्बिटल्स में एस के कैरेक्टर आए होंगे, क्योंकि बॉन्ड एंगल 90 से तभी ज्यादा होगा जब एस कैरेक्टर आए होंगे, और अगर पी में एस कैरेक्टर आए हैं इसका मतलब क्या हुई है, हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब हम कैसे पता लगाते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन हुई है या नहीं हुई है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका बॉन्ड एंगल कितना है। प्योर प्योर ऑर्बिटल में कितना होता, 90, और अगर थोड़े से भी ऐसे कैरेक्टर आए होंगे तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन हुई है। तो अगर मैं इसका बॉन्ड एंगल लेके पूछ रहा हूं तुझे क्या इसमें हाइब्रिडेशन हुई है, तो 90 से क्या है, ज्यादा है, उसका मतलब हाइब्रिडेशन हुई है। और अगर आइडियल हाइब्रिडेशन हो जाए मतलब बराबर कैरेक्टर बढ़ जाए, यानी कि जैसे कि मीथेन में CH4 CH4 CH4, तो बॉन्ड एंगल कितना लेता है, 109, यानी कि सब में एस कैरेक्टर बराबर बटा। हम जानते हैं इसमें सब बराबर नहीं बटे हुए क्योंकि लोन पेयर जो थोड़ा सा एस्ट्रक्टर क्या रखेगा अपने पास, ज्यादा रखेगा। देखो कितना मॉलिक्यूल के बारे में अब हम समझने लगे हैं, पहले बस ये CH4 था, हाइब्रिडेशन sp3 थी, आंसर था नहीं। अब हम ये भी समझ रहे हैं कि दोनों में ही अपने एस और तीनों पी को मिक्स किया है, लेकिन मिक्सिंग में भी फर्क है। इसमें आइडियल है, सबको बराबर बटे हुए हैं क्योंकि हाइड्रोजन है सारे। अगर मैं यहां फ्लोरीन लगा दूं तो हाइब्रिडेशन तो हम अब इसका आंसर sp3 करेंगे कि एस और तीन पी मिक्स हुए हैं, लेकिन ये बात हम समझेंगे कि अगर यहां फ्लोरीन है तो एस स्ट्रक्चर इसमें थोड़े से कम होंगे और इनमें इसका बेटर कंपैरिजन क्या होंगे, थोड़े ज्यादा। यही अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए केमिस्ट्री के लिए। देखो तो पॉइंट ये है कि इसमें हाइब्रिडेशन क्यों हुई है, तो उसका आंसर ये है कि मैंने बताया था हाइब्रिडेशन होने के दो रीजन है। हमेशा सिर्फ इसलिए नहीं हाइब्रिडेशन होती है कि बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, वो दूसरा रीजन मैंने तुम्हें क्या बताया था, कभी कभी स्टेरिक हिंड्रेंस जो है, मान लो ये है नाइट्रोजन और ये तीन हाइड्रोजन, तो अगर ये लोन पेयर यहां इसका ऐसे ऐसे तो मैं बना रहा हूं, इसमें एस ऑर्बिटल का मतलब क्या है, अंदर है। एस ऑर्बिटल का अगर लोन पेयर एस ऑर्बिटल में ही रहेगा तो यहां से देखो ये जो हाइड्रोजन है तीनों, इनके बीच में बॉन्ड एंगल अगर 90 रहेगा तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या रहती है, काफी रिपल्शन रहती है। तो कई बार स्टेरिक रिपल्शन कम करने के लिए भी अब नाइट्रोजन को बोलना पड़ेगा कि भाई लोन पेयर अपने एस सेक्टर इनको दो, हालांकि लोन पेयर कहेगा नहीं नहीं मेरे को एस सेक्टर ज्यादा चाहिए, तो नाइट्रोजन समझा सकता है बेटा अगर सारे एस सेक्टर तुमने अपने पास ही रखे तो ये 90 पे रहेंगे और रिपल्शन रहेगा और मॉलिक्यूल अनस्टेबल रहेगा, तो ये तीनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनेगा। जब मॉलिक्यूल भी रहेगा तो लोन पेयर एस सेक्टर लेके क्या करेगा, यानी ओवरऑल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है, एक मॉलिक्यूल की, इसीलिए लोन पेयर जो है अपने एस सेक्टर देता जाता है। तो हाइब्रिडेशन होने का रीजन इस बार क्या था, स्टेरिक रिपल्शन को कम करना, लेकिन लोन पेयर अपने पास ज्यादा ही एस सेक्टर बाकी से रखेगा, क्योंकि अगर इक्वली बांट देता सब में एस सेक्टर तो बॉन्ड एंगल 109 हो जाता, लेकिन बॉन्ड एंगल कितना है इसका, 107, इसका मतलब एस सेक्टर ज्यादा जो है वो इसी में रहे होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो नेक्स्ट बात कि अगर हम सेम PH3 को देखते हैं तो भाई मुझे ये बताओ PH3 में हाइब्रिडेशन हुई है नहीं हुई है, आइडियल है, इसका हम आइडिया कैसे लगाएंगे। तो अब तुम इसका आइडिया इस तरीके से लगा सकते हो कि बॉन्ड एंगल मेजर करो, इसका बॉन्ड एंगल इसका 91 के आसपास है, 90 डिग्री। तो अगर बॉन्ड एंगल 90 के आसपास है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि हाइब्रिडेशन ना होने के बराबर है, क्योंकि प्योर ऑलमोस्ट 90 डिग्री में तो प्योर प्योर ऑर्बिटल ही होते हैं और एक दो डिग्री का ही तो डिफरेंस है, इसका मतलब हाइब्रिडेशन हुई भी है तो हम ये बोल रहे हैं ना होने के बराबर है। अब सवाल यह है कि इसमें हाइब्रिडेशन क्यों नहीं हुई, इसमें भी तो होनी चाहिए थी, लेकिन इसका आंसर क्या है कि जो फॉस्फोरस है उसका सेंट्रल रिंग साइज क्या है, बड़ा है, क्योंकि सेकंड पीरियड का था, ये किस पीरियड का है, थर्ड पीरियड का, थर्ड पीरियड में आते ही सेंट्रल रिंग साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो जो साइड आइटम्स हैं हाइड्रोजन
उनके बीच में एस सच को रिपल्शन है ही नहीं, और रिपल्शन है नहीं तो लोन पेयर को अपने एसेट पी पे डोनेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इस तरीके से हम मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल स्टडी करके आइडिया लगा सकते हैं कि किसमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत रही होगी या नहीं रही होगी। अगर हम इसी तरीके से बात देखें कि पीएफ थ्री में बताओ भाई क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी या नहीं होगी, तो तुम कुछ भी आंसर सोच सकते हो अपने दिमाग के अंदर कि सर होनी चाहिए, कुछ बोलेंगे सर नहीं होनी चाहिए। तो मैं बताता हूं कि प्रिडिक्शन है ये केमिस्ट्री का क्या गेम है, तुम प्रिडिक्शन करो अब तक जो तुम्हें सिखाया है उसके बेसिस पर, और वो प्रिडिक्शन सही है या गलत है उसका आइडिया हमेशा हमें कैसे लगता है, फैक्ट से लगता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका क्या है, अगर मैं तुम्हें बता देता हूं कि पीएफ थ्री का जो बॉन्ड एंगल है वो 90 से काफी ज्यादा है, 107 के आसपास होता है, तो पहले तो तुम ये बताओ अगर बॉन्ड एंगल 107 के आसपास है तो क्या तुम समझ गए हो कि पीएफ थ्री में क्या प्रेजेंट है, हाइब्रिडेशन हुई है। हाइब्रिडेशन प्रेजेंट होने का मीनिंग क्या है, एस और प्योर ग्लेयर क्या हुआ है, मिक्सिंग हुई है। अब सवाल यह है कि सर इसमें हाइब्रिडेशन क्यों हुई है, इसमें भी तो फास्फोरस का साइज बड़ा है और वो अभी सेकंड ग्रेड का फ्लोरीन छोटा है। तो बेटा ध्यान से समझो इन केस में हाइब्रिडेशन होने का रीजन क्या हो सकता है, फास्फोरस का साइज मान लो बड़ा है और तीन फ्लोरीन जुड़ गए, देखने से हमें कोई रिपल्शन नजर नहीं आ रही है, लेकिन हम जानते हैं फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ही ज्यादा है, और इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव, और अगर किसी भी आइटम पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है उसका साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये तो इमेजिनरी है जो तुम्हें नजर आ रहा है, सच्चाई तो कहीं ये रही होगी कि फास्फोरस बेचारा ऐसे सूख चुका होगा तीन फ्लोरीन के जोड़ने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो गया होगा साइज का, और इस पे साइड नेगेटिव चार्ज है तो इनका साइज थोड़ा सा बड़ा सा भी हो गया होगा, तो इनके बीच क्या होने लगी होगी अब रिपल्शन, जिसकी वजह से इसके लोन पेयर को इन पी ऑर्बिटल में डोनेट करना पड़ा होगा कुछ एस कैरेक्टर, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल बड़ा है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बस ये बात कहना चाहता हूँ, ये जो अभी मैंने बातें बताई हैं कि हाइब्रिडेशन किन में होगी नहीं होगी, तो पर तुम्हें एक आइडिया लग गया, काफी कुछ अच्छा आइडिया है सब्जेक्ट का, क्या हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल की मिक्सिंग को बोलते हैं, ऐसा भी हो सकता है हाइब्रिडेशन की जरूरत ना हो, ऐसा भी हो सकता है हाइब्रिडेशन हो, ऐसा भी हो सकता है कि आइडियल हाइब्रिडेशन हो सी एच फोर में, आइडियल मतलब सब में बराबर बटे एस कैरेक्टर बटे हो, ऐसा भी हो सकता है नॉन आइडियल हो। तो ये बहुत जरूरी था इस तरीके से समझना, हमने सिर्फ क्या किया है हमेशा फाइंड द हाइब्रिडेशन और निकाल दिया है। अरे जब हम केमिस्ट्री को नहीं समझ रहे, हम सिर्फ क्वेश्चन के आंसर देना चाह रहे हैं, तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तुम आंसर करना जरूरी नहीं है, पहले तुम्हें उसे समझना जरूरी है। जिस एज में हम हैं इस वक्त तुम बातों को समझो, आंसर तो कोई भी कर सकता है, रख के भी कर सकता है, पर उसका कोई मीनिंग नहीं होता। अगर ध्यान से देखो, अब मैं तुम्हें पहला ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि जिसके बेसिस पे, अब यार ऐसे तो बार बार तुम नहीं बता पाओगे ना, मैं तुम्हें कोई भी मॉलिक्यूल दूं और बोलो भाई इसने कौन से ऑर्बिटल मिक्स किए होंगे, तो तुम क्या ढूंढते रहोगे सबके बना बना के, और फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो तुम्हें मैं एक तरीका देता हूँ कि आज के बाद कभी भी अगर तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी हो तो क्या तरीका रहेगा, एक तो हमें ये सीखना है, उससे पहले दूसरी बात ये कि किन किन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है अगर हम उनको पहले से ही जान लें तो क्या, तो कितना हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम ध्यान से समझो, अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला कि सारे मॉलिक्यूल जितने भी उस टाइम पर थे उन सब के बॉन्ड एंगल मेजर किए और लिखा, जिन जिन के बॉन्ड एंगल 90 के क्लोज आ रहे थे तो हमने समझा अच्छा इनमें तो हाइब्रिडेशन नहीं रही होगी। तो वो सारा डेटा देखने के बाद अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हाइब्रिडेशन किन मॉलिक्यूल में नहीं होती है या बहुत कम होती है, वो तुम्हें एकदम ध्यान रखना है क्या है वो। तो क्या हुआ कि जब बॉन्ड एंगल मेजर करके सबके सामने रखे जाए, और मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारे सामने भी रख दूंगा ना, तो तुम भी देख के पहचानोगे सर इसमें तो हाइब्रिडेशन नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या किसने दिया, जिस साइंटिस्ट का नाम था उसका नाम था ड्रैगो, इसको बोलते हैं ड्रैगोस एम्पिरिकल रूल। यहां से समझो ड्रैगो रूल क्या है, इसने कहा कि जब भी एटम सेकेंड पीरियड का होगा, कौन से पीरियड का होगा, सेकेंड पीरियड का, तो उस केस में क्या होता है सेंट्रल एटम का साइज क्या होता है छोटा होता है, और अगर सेंट्रल एटम का साइज छोटा है तो साइड में कोई भी जुड़े हो चाहे सेकंड पीरियड के हो या किसी भी पीरियड के हो तो उनमें रिपल्शन होगी ही होगी, और अगर रिपल्शन होगी उन केस में तो यानी कि लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। अगर लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो क्या होगा, तो उनमें रिपल्शन बनी रहेगी। तो उसने क्या बताई पहली बात कि अगर सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड तो उन मॉलिक्यूल्स में हमेशा ही हाइब्रिडेशन होगी, सो दैट की स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो सके, कम हो सके, स्टेरिक हिंड्रेंस रिड्यूस रहे। पहली बात,
लेकिन अगर सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है सेंट्रल एटम जो कौन से पीरियड का हो, थर्ड पीरियड का हो या फोर्थ का पीरियड का हो या उससे भी नीचे वाले हो सकते हैं। तो पॉइंट क्या रहेगा, सेंट्रल एटम का साइज अगर बड़ा हो गया है तो साइड एटम के बीच रिपल्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अगर रिपल्शन नहीं है, जैसे कि PH3 वाला एग्जांपल था, तो उस केस में हाइब्रिडेशन नहीं होगी। लेकिन अगर रिपल्शन है, जैसे कि PF3 वाला केस था, तो उसमें हाइब्रिडेशन हो भी सकती है। तो उसने बताया, क्या बताया, बहुत काम की चीज को ध्यान रखना, अगर सेंट्रल एटम थर्ड फोर्थ फिफ्थ या सिक्स्थ पीरियड का हो, उस केस में हाइब्रिडेशन तभी होगी जब साइड एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी। और अगर साइड एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, तो उस केस में सेंट्रल एटम साइज श्रिंक कर गया होगा, जिसकी वजह से साइड एटम के बीच रिपल्शन बढ़ गई होगी। उस रिपल्शन को कम करने के लिए लोन पेयर को हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ा होगा। और अब अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक रफ आइडिया है ये, 2.5 से क्या होती है, ज्यादा होगी, ज्यादा हुई तो उस केस में हाइब्रिडेशन होगी ही होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इज लेस देन 2.5, इस केस में हाइब्रिडेशन नहीं होती है। और इन्हीं कंपाउंड जिनमें हाइब्रिडेशन नहीं होती है या बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मिक्सिंग होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं ड्रैगोस कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे पूछता हूं, बोलो भाई NF3 क्या हाइब्रिडेशन होगी, तो आंसर है नाइट्रोजन कौन से पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का है, तो इसमें तो सोच रहे हैं कुछ हाइब्रिडेशन होगी। दूसरी बात, NCl3 क्या हाइब्रिडेशन होगी, सेंट्रल एटम कौन से पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का है, तो हाइब्रिडेशन होगी। तीसरा PCl3, आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि साइड एटम थर्ड पीरियड का जरूर है, लेकिन साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 3.5 से क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए इसमें हाइब्रिडेशन होगी। PH3 में हाइब्रिडेशन होगी, आंसर इज नो। फिर क्या H2O में हाइब्रिडेशन होगी, सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का हो तो होगा, तो बिल्कुल होगी। सिक्स, क्या H2S में हाइब्रिडेशन होगी, सेंट्रल एटम आ गया थर्ड पीरियड का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम की क्या है, बोलो भाई 2.5 से क्या है, कम है, तो हाइब्रिडेशन नहीं होगी। तो PH3 क्या है, ड्रैगो कंपाउंड है, H2S क्या है, एक ड्रैगो कंपाउंड है। अब मैं तुम्हें आइडिया देता हूं बेटा, इनको पहचान लेना पेपर में पहले कि कौन कौन से ड्रैगो हैं, क्योंकि यही गलती करवाते हैं अगर तुमने इनको पहचाना नहीं है, क्योंकि 11th क्लास तक या 12th क्लास तक इनको कोई पढ़ाता नहीं, इनका कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं रहता है। अब देखो, तुम्हें मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में ड्रैगो रूल और ड्रैगो की जो एग्जाम्पल है वो याद रखने का तरीका सिखाता हूं। तुम्हें ड्रैगो में क्या बात ध्यान रखनी है, जो पढ़ा है तो नोट्स वाइज लिख ही लेना, और नोट्स भी मिल जाएंगे इनके, तो जो हम प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ के फॉर्म में। अब ध्यान से समझो, तुम्हें ड्रैगो कंपाउंड्स कैसे ध्यान रखने हैं और ड्रैगो रूल, बस ये बात ध्यान रखना, अगर सेंट्रल एटम थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड का हो या इससे नीचे थर्ड एंड ऑनवर्ड्स में लेना, और साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, दोनों ही कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं, तो वो कंपाउंड क्या होगा, ड्रैगो कंपाउंड। और ड्रैगो कंपाउंड होने का मीनिंग ये है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई होगी, और इसका मतलब ये है कि बॉन्ड एंगल जो है उस मॉलिक्यूल में क्लोज टू क्या रहेगा, 90 डिग्री। ये मीनिंग तुम्हें निकालना है, उसमें हम ध्यान करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं NH3 PH3 ASH3 H2O, H2S, H2ST, H2TE, H2 FH, FH3, CLH3, BRH3, IH3। अब यहां से देखो, क्या NH3 में हाइब्रिडेशन होगी, आंसर इज यस, सेकंड पीरियड का, सेकंड पीरियड वाले हैं तो सब में होगी, इसमें होगी, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि फ्लोरीन कभी तीन बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसमें हाइब्रिडेशन लगती नहीं है। तो ये बात ध्यान रखो पहले भाई, उस आदमी का जिंदा होना जरूरी है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, ये मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट में आता है। अब देखो, PH3 में होगी, आंसर इज नहीं, क्योंकि थर्ड पीरियड का हो गया, सेंटर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसमें भी नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी। तो यही वो एग्जांपल है बेटा,
जो घुमा फिरा के तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। और उसमें भी मैं दो को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, PS3 एंड HQS, इनको ही ध्यान रखना, पेपर में यही आते हैं। अब क्वेश्चन हुआ ये क्यों नहीं है सर, CLH3 में भी हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। अरे ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता भाई, बताया तो था कि अगर सेंट्रल एटम को डी ऑर्बिटल एक्साइटेशन थ्योरी पढ़ी थी कि नहीं यार, तुम एक बात पढ़ाओ तो पिछली बातें भूल जाते हो। अगर सेंट्रल एटम को डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करना है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, ऑर्बिटल का कॉन्ट्रेक्शन होना चाहिए, तभी एक्साइटेशन होगी। तो इन केस में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक शेल से क्या है, कम है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल इनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इनसे पहले वाले अगर केस से आ जाए कोई, मान लो मैं कह रहा हूँ CH4 क्या हाइड्रोजन होगी, SiH4 हाइड्रोजन होगी, तो SiH4 को कई बार बच्चे कह देते हैं नहीं सर SiH4 में हाइड्रोजन तो नहीं लगेगी, नो, क्योंकि सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का है सर और साइड की इलेक्ट्रॉनिटी आप शायद आपने कहा था कि इससे कम है 2.5 से, दैट मींस सर हाइड्रोजन नो नो चांस। अरे भाई इसमें लोन पेयर है भी क्या, मैंने क्या बताया था लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो SI के पास तो चार ही है, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, तो रेजिस्ट जो कर रहा था पार्टिसिपेशन में, जो नहीं चाहता था हाइब्रिडेशन हो, वो कौन था, लोन पेयर था, वो चाहता था भाई लोन पेयर हूं मैं, जैसे NH3 में था कि मेरे को प्योर S में रहने दो, इनको P से बनवा दो, तो लोन पेयर रेजिस्ट कर रहा था उसने, क्योंकि वो S वेक्टर चाहता था, जब यहां लोन पेयर ही नहीं है तो इस केस में ऐसी कोई बातें नहीं। इसे मैंने तुम्हें बता दिया है, केवल इन्हीं को ध्यान रखना, ड्रैगो कंपाउंड पहचानने बहुत जरूरी है और बॉन्ड एंगल कंपैरिजन में इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आप हमने देख लिया है ड्रैगो कंपाउंड्स कौन से हैं, और ये बात ध्यान रखना ड्रैगो कंपाउंड्स में नो हाइब्रिडेशन लिख सकते हैं हम, या फिर हम बहुत ही एक्यूरेट बोलना चाहते हैं तो हाइब्रिडेशन एक्सपेंट जो है वो ऑर्बिटल मिक्सिंग जो है बहुत ही कम हुई है, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो अब हम ये सीखेंगे कि अगर हमें हाइब्रिडेशन एक्चुअल जिन मॉलिक्यूल में है उनमें फाइंड आउट करनी हो तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करने का मतलब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि सेंट्रल एटम ने अपने कौन कौन से जो ऑर्बिटल है उनको आपस में मिक्स किया है, ये फाइंड करना सीख रहे हैं। तो देखो सबसे पहले एक सिंपल तरीका सिखाते हैं, वैसे सही तरीका तो मैं बता चुका हूँ, मॉलिक्यूल को बनाओ देखो, लेकिन वो बहुत टीडियस मेथड है, लंदी है बहुत ज्यादा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस अप्रोच से सीखना है जिस अप्रोच से अब मैं तुम्हें बताना स्टार्ट करूँ।